हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्ञान रथ चैनल पर। आज आपके लिए जो ये वीडियो लाया गया है, इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर में आपके इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, टेक्नीशियन के अभी जो आपके एग्जाम हुए, उनमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में, उन पर ये वीडियो बनाया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, टेक्नीशियन आदि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में जो आपका DMRC में टेक्नीशियन का आपका जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वायरिंग की सामान्य विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है? और इसका सही जवाब है क्लीट वायरिंग। तो आपकी जो क्लीट वायरिंग होती है, उसकी जो आपकी विश्वसनीयता होती है, वो आपकी जो है अच्छी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम का पेपर है, उससे जो है आपके ये पेपर से ये स्नैपशॉट लगाकर ये पेपर आपका बनाया गया है। तो ये सारे आपके DMRC में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, क्रॉलिंग। तो जो क्रॉलिंग होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो 3 फेज प्रेरण मोटर होती है, उसमें जो आपका रोटर का जो स्लॉट होता है, उसको टेढ़ा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था, 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारक उत्पन्न फ्लक्स कितना होता है? तो वो आपका जो होता है, वो होता है आपका एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो जो आपका 3 फेज प्रेरण मोटर, जो आपकी मोटर होती है, उसमें जो आपका फ्लक्स होगा, वो आपका एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पर होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटरों में उत्तेजक यानी जो आपका एक्साइटर होता है, वो क्या प्रदान करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उत्तेजन वाइंडिंग को DC शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अल्टरनेटर होता है, उसमें जो आपका एक्साइटर होता है, उत्तेजक होता है, वो आपका उत्तेजन वाइंडिंग को DC पावर जो है आपका प्रदान करता है। तो जो आपको क्वेश्चन नए लगे, आप उनको नोट डाउन करें। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो है आपका 66 KB तक के अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? और आपका सही जवाब होगा स्क्रीनड केबल। तो जो आपकी स्क्रीनड केबल होती है, उसका उपयोग आपका 66 KB तक के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो केबल वाला चैप्टर है, वहां से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो एकल फेज होगा, अगर वो आपका स्टेटर एक AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है, तो आपका यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि तब क्या होता है कि यह अपने आप जो है घूर्णन क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता है, जब आपका आपका जो स्टेटर होगा वो AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है? तो आपको पता होगा, मल्टीमीटर से वोल्टेज को माप सकते हैं, धारा को माप सकते हैं और प्रतिरोध को माप सकते हैं, परंतु आपका जो तापमान होता है, तापमान को आपका जो है मल्टीमीटर के द्वारा हम नहीं मेजर कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जब गैसीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब गैसीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब गैसों में विद्युत विसर्जन स्टार्ट होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, यदि एक BJT को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करना हो, तो उसे निम्न में से किसमें संचालित किया जाना चाहिए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर BJT को आपको एम्पलीफायर के रूप में अगर आपको यूज करना है, तो इसको हमेशा एक्टिव फील्ड जो होता है, जो आपका सक्रिय क्षेत्र होता है,
तो उसमें आपको जो है इसको संचालित यानी ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक प्रकार नहीं है? तो आप देख सकते हैं आपका जो कंड्यूट वायरिंग एक प्रकार होता है, कास्ट आवृत वायरिंग यानी वुडन कास्टिंग वायरिंग होती है आपकी, फिर आपके क्लीट वायरिंग भी एक प्रकार होता है, परंतु खुली वायरिंग जो ओपन वायरिंग होती है ये आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग का प्रकार नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा कंड्यूट वायरिंग प्रकार होता है, कास्ट वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग होती है, और खुली वायरिंग आपका एक प्रकार नहीं होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर बदल सकती है? और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, जो आपका टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, तापमान को चेंज करने पर आपका जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसकी चुंबकशीलता जो है आपकी बदल सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके डीएमआरसी का जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था वहां पर पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर आज का आपका अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर चार, जहां पर उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है वहां पर डीसी श्रेणी मोटर, जो सीरीज मोटर होती है आपकी डीसी की सीरीज मोटर का उपयोग वहां पर किया जाता है, जहां पर आपको हाई लोड और हाई स्पीड की आवश्यकता होती है। तो जो आपका जैसे कि आपका हो गया रेलवे, तो जो आपकी रेलवे होती है तो आपको पता होगा वहां पर भी आपकी डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर हमें आपकी हाई स्पीड और हाई लोड दोनों वहां पर होते हैं, तो इसीलिए आपका डीसी सीरीज मोटर का उपयोग रेलवे ट्रैक्शन में किया जाता है। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैक्शन में कौन सी मोटर का यूज किया जाता है या रेलवे में कौन सा मोटर यूज की जाती है, तो वहां पर आपके डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। फिर आज का आपका अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक जैसा व्यवहार करेगा? तो जो आपका डीसी, अगर आपका वोल्टेज स्रोत से अगर कोई आपका प्रेरक जुड़ा है तो स्थिर अवस्था में एक लघुपतित परिपथ, मतलब आपका जो आपका शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है, जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी तरह आपका जो है व्यवहार करेगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है? तो जो आपका MMF ड्रॉप होता है ऑप्शन नंबर तीन, तो आपका आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होता है वो चुंबकीय परिपथ के MMF ड्रॉप के अनुरूप होता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, डी सॉल्विक। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी सोल्डरिंग सामग्री होती है उसको हटाने के लिए जो सामग्री हम प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है डी सॉल्विक सामग्री। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं होता है? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोड भार आपका जो पावर केबल होती है उसका भाग नहीं होता है। जो आपकी आपका कंडक्टर यानी चालक आपका केबल का भाग होता है, परावैद्युत आपका केबल का आपका भाग होता है, जो आवरण सीथ होती है ये भी आपका केबल का एक भाग होता है, परंतु आपका जो भार लोड होता है वो केबल का आपका भाग नहीं होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो है आपका, निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा, जो आपकी ऑटोमोबाइल होती है आपकी, वहां पर आपकी लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है जितने भी आपका ऑटोमोबाइल का क्षेत्र होता है, जो आपकी गाड़ियां होती है, उन सभी में लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो है, एमीटर के प्रतिरोध के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आपका जो सही होगा इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर तीन, यह बहुत कम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एमिटर होगा उसमें जो प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, एसी मापन के लिए वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा क्या होती है? तो इसका सही जवाब है, आवृत्ति के साथ स्थिर रहनी चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एसी, जब आप हम
एसी मेजरमेंट करते हैं तो उस समय जो वोल्ट मीटर होगा उसके मल्टीप्लायर की जो प्रतिबाधा होती है वो आवृत्ति यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ हमेशा कांस्टेंट स्टेबल रहनी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक थ्री फेज विद्युत आपूर्ति का सही फेज अनुक्रम जो सीक्वेंस होता है वो होता है आपका RYB। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थ्री फेज विद्युत आपूर्ति होती है उसका सही अनुक्रम होता है वो होता है RYB। तो ये क्वेश्चन भी आपका DMRC में पूछा गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहता है, BJT में कितने टर्मिनल होते हैं? और आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो यानी आपका जो BJT होता है उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि BJT में 3 टर्मिनल होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित एक स्रोत मुक्त RLC नेटवर्क की नेपर आवृत्ति जो नेपर आवृत्ति होगी वो कितनी होगी? तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि जब समांतर क्रम में आपका RLC नेटवर्क जुड़ा होगा तो उसकी जो नेपर फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2/4 RC। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, 2/4 RC आपकी जो आपकी नेपर आवृत्ति होगी समांतर क्रम में RLC सर्किट की वो होगी 2/4 RC। तो ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्धचालक उपकरणों के स्वास्थ्य स्थिति की जांच निम्न में से किसकी मदद से की जा सकती है? तो आपका जो डिजिटल मल्टीप्लायर होता है जो मल्टीमीटर होता है तो डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से हम अर्धचालक उपकरण होते हैं जो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं उनकी जो है जो आपकी स्वास्थ्य होती है उनकी जो कंडीशन होती है उसकी जांच करने के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेगर का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उच्च प्रतिरोध। तो जो आपके हाई रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो है मेजरमेंट करने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रेलवे में भी पूछा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शक संकेतक है? और आपका सही जवाब है वोल्टेज धारिता और दक्षता। तो जो आपकी वोल्टेज और धारिता और दक्षता होती है ये आपका बैटरी का स्वास्थ्य बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वोल्टेज से मतलब हुआ कि आपकी जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज पर आपकी काम करती है, कितने वोल्टेज की है। धारिता का मतलब आपकी जो बैटरी होगी उसकी कैपेसिटी यानी उसकी धारिता कितनी है ये आपका चेक किया जाता है। और तीसरा है आपका दक्षता यानी एफिशिएंसी, तो आपकी बैटरी की दक्षता एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो ये पैरामीटर होता है इन्हीं पैरामीटर मापदंडों के अनुसार हम बताते हैं कि आपकी बैटरी कितनी अच्छी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, MCB। तो आपने जो घरों में जो MCB लगी होती है इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, इसको इसीलिए लगाया जाता है कि आपका जो एक तरह का एक प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह ये काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म होती है काफी बार ये भी पूछा जाता है MCB की फुल फॉर्म, तो इसकी याद रख लें आप, MCB का जो फुल फॉर्म होता है वो तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रणालियों का उत्पादन कितने वोल्टेज पर किया जाता है? तो आपका भारत में विद्युत प्रणालियों का जो उत्पादन प्रोडक्शन होता है वो हमेशा आपका 11 kV यानी 11 kV पर आपका विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार रेलवे में भी आपका पूछा जा चुका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसने परिभाषित किया था? तो आपका सही जवाब है किरचॉफ का धारा का नियम। तो जो किरचॉफ का करंट लॉ है उसके अनुसार किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा तथा उससे जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय मान शून्य होता है। तो यह आपका किरचॉफ का जो आपका धारा का नियम है करंट लॉ है, तो ये आपका किरचॉफ के करंट लॉ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एकल फेज यानी आपका जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर का फेज स्प्लिटर निम्न में से किस में जुड़ा होता है? और आपका सही जवाब है स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल फेज जो आपकी प्रेरण इंडक्शन मोटर होगी उसमें जो आपका फेज स्प्लिटर होता है वो आपका स्टार्टर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो आपकी जो आर्मेचर धारा होती है ऑप्शन नंबर एक, उसके स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें जो आपका बल आघूर्ण होता है वो हमेशा आर्मेचर की धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको याद रखना कि जो आपका के डब्ल्यू इक्वल टू होता है के वी ए इंटू शक्ति गुणक, तो जो आपका किलो वाट होता है वो होता है के वी ए, यानी जो आपके किलो वाट एम्पियर इंटू जो आपका शक्ति गुणक होता है उसके बराबर आपका के डब्ल्यू होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही है वो आपका बैटरी जो आपकी होती है वो आपकी सेलों से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आपको पता होगा जो बैटरी होगी वो आपकी हमेशा सेलों से, बहुत सारे सेलों से मिलकर एक आपकी बैटरी का निर्माण होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक मापदंड है जो निम्न में से क्या निर्धारित करता है? तो आपका सही जगह तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन चार, प्रचालन की गति। तो जो आपका डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम का एक जो मापदंड है वो हमेशा प्रचालन की गति को निर्धारित करता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन वो पूछा गया, एससीआर एक उपकरण है। तो आपका एक जो एससीआर होता है वो आपका एक अर्ध नियंत्रित उपकरण है। तो आप इसको नोट डाउन करें, एससीआर आपका अर्ध नियंत्रित उपकरण है और एससीआर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या सेमी कंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एससीआर की फुल फॉर्म होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फूड मिक्सचर में कौन सी मोटर यूज की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर। तो आपके जो जितने भी ग्राइंडर हो गए, आपके फूड मिक्सचर हो गए, इन सभी में आपका यूनिवर्सल मोटर का आपका यूज किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, थर्मो स्टेट का काम होता है, तो जो आपका थर्मो स्टेट लगाया जाता है सर्किट में उसका काम क्या होता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियंत्रण। तो जो आपका थर्मो स्टेट होता है उनका काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपका थर्मो स्टेट का यूज किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का यूज करके सुधरता है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टैटिक कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर बी सिंक्रोनस कंडीशनर और ऑप्शन सी फेज एडवांसर, यानी ऑल ऑफ दिस। तो इन सारी चीजों का यूज करके आपका जो पावर फैक्टर होता है वो इम्प्रूव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पावर फैक्टर होता है इसको इम्प्रूव करने के मेथड हैं, पहला है आपका स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करके, फिर सिंक्रोनस कंडीशनर का यूज करके और फेज एडवांसर का यूज करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आवेशित परमाणु कहलाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयन। तो जो आवेशित परमाणु होता है उसको जो है आयन कहते हैं। तो आपने सुना होगा धनायन या ऋणायन, तो इसी प्रकार जो आपका एक आवेशित परमाणु होता है उसको आपका आयन कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूज। तो जो आपका फ्यूज होता है वो किसी भी सर्किट में सबसे कमजोर हिस्सा होता है। तो इसीलिए घरों में जो फ्यूज होते हैं उनका यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे आपके वीक पार्ट होते हैं। क्योंकि जब भी आपके जो है सर्किट में आपकी धारा या वोल्टेज करंट ज्यादा फ्लो करने लग जाती है तो आपका फ्यूज ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसीलिए ये आपका परिपथ का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्यूज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा है तो बैटरी किस क्रम में जुड़ी हुई है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में। तो आपकी बैटरी अगर सीरीज में जुड़ी होती है तो उसका जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। और अब आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, एक एचपी यानी एक अश्वशक्ति एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 650, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 750 वाट, ऑप्शन डी 1000 वाट। तो आपको बताना है कि एक एचपी एक हॉर्स पावर एक
अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में दें कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस प्रश्न का जवाब जरूर दें कि एक हॉर्स पावर HP में कितने वाट होते हैं। धन्यवाद।